बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो जेंगो से रिलेटेड है। वो स्टूडेंट जिनको थोड़ी बहुत HTML आती हो, थोड़ी बहुत पाइथन आती हो और उनको जेंगो सीखना हो कि जेंगो पे वर्क किस तरीके से होता है, तो आज की वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो उससे रिलेटेड है कि आपको अगर थोड़ी बहुत भी पाइथन और HTML CSS का थोड़ा कॉन्सेप्ट हैं तो आप जो है जेंगो सीखकर जो है किसी भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजर इंटरनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो लग सकते हैं। तो टाइम जाए के बगैर बस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँगा, मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट फाइल दूँगा, ये वाली टेक्स्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा जेंगो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सारी चीज़ें आपको इसमें टेक्स्ट की सूरत में मिल जाएगी, ठीक है, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हम कवर क्या क्या करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। इसमें जो है हम फंक्शंस के ज़रिए जो है पेजेस को कॉल करेंगे, जो एंड पॉइंट होता है उनको कॉल करेंगे। इसके अलावा जो है हम HTML फाइल जो है वो क्रिएट करके वो कॉल करेंगे। इसके अलावा जो है बूटस्ट्रैप जो है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है हम जेंगो के अंदर वो हम देखेंगे। और जो है लास्ट में हम डेटाबेस को देखेंगे, डेटाबेस की वैल्यू कैसे गेट करके हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन की पाइचाम। हम यहाँ पर अपना एक नया प्रोजेक्ट पाइचाम के ऊपर क्रिएट करेंगे और इसमें जो मैं वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ पाइथन का 3.6 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ वर्चुअल। और प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं टेस्ट अंडरस्कोर जेंगो क्रिएट। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट होने के बाद जो है हमने करना ये है कि टर्मिनल के ऊपर जो है जेंगो को की कमांड जेंगो इंस्टॉल करने की कमांड जो है वो लिखनी है। तो हमारा जो जेंगो का फ्रेमवर्क है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम जो है बारी बारी ये सारी जो लाइंस इसमें मौजूद हैं इसको हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन भी पाइथन जो यूज़र है उन्हें पता होगा, उसकी कमांड होती है पिप इंस्टॉल और आगे जो है वो पैकेज नेम होगा। तो ये हम जेंगो का जो फ्रेमवर्क है वो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पिप इंस्टॉल जेंगो लिखेंगे टर्मिनल के ऊपर, तो ये जो जेंगो है वो इंस्टॉल हो जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया टेस्ट अंडरस्कोर जेंगो के नाम से प्रोजेक्ट है फिलहाल। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम जहाँ पर जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, ये आपको नीचे जो है बॉटम में नज़र आ रहा होगा टर्मिनल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। मैंने लिखा भी नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट किया, जो आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट मिलेगा उसको, ठीक है। एंटर कर देंगे, इंस्टॉलेशन होना शुरू हो रही है और ये इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है आप क्या करेंगे, जब इंस्टॉल हो जाए तो आप जो है इस कमांड के जरिए चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद करना ये है कि ये जो आपकी तीसरी लाइन है इसको कॉपी करना है, ये भी आप टर्मिनल के ऊपर इसको रन करेंगे, ठीक है। ये कमांड क्या काम करेगी, जब जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने स्टार्ट प्रोजेक्ट का जो पैरामीटर है इसके ज़रिए जो है हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाना है। हेलो वर्ल्ड नाम रख, ये प्रोजेक्ट का नाम है जो वेबसाइट हम बनाएंगे उसका नाम, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ये प्रोजेक्ट एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक हम जो वेबसाइट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड भी रख सकते हैं, माई प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं, जो आपका दिल चाह रहा है नाम वो रख लें। मैं फ़िलहाल इसको हेलो वर्ल्ड का नाम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो गई है, हो रही है इंस्टॉलेशन और ये तकरीबन ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से टेक्स्ट फाइल से ये लाइन आपने उठानी है, अगर आपने चेक करना है वर्जन तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर थर्ड लाइन पर आएंगे कंट्रोल वी और हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा इस टेस्ट अंडरस्कोर जेंगो के अंदर जो है आपको अपना ये हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है।
इसके अंदर आपको many.py मिलेगी और हेलो वर्ल्ड का इसके अंदर एक और सब फोल्डर मिलेगा हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, और जो है उसके अंदर इनिट की फाइल है, सेटिंग्स की फाइल है, URLs की फाइल है, ठीक है। ये फाइल सारी फाइल जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सीख भी लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमें इसी को सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर रहना है, ठीक है, ताकि हम जो है जेंगो पे थोड़े से टाइम के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकें। तो हम यहाँ पर हमने ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप फेसबुक वगैरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो है आप अगर किसी एक खास एंड पॉइंट देते हैं, जैसे facebook.com/ करके जो आप एंड पॉइंट दे रहे होते हैं, तो एक अलग पेज ओपन होता है। बेसिकली इसको यहाँ पर Django के अंदर एप्लीकेशन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर मैंने चौथी लाइन पे चीज़ लिखी cd hello world। ये cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड के अंदर आ जाओ, यानी कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर। अभी हम लोग किस जगह पर मौजूद हैं, टेस्ट अंडरस्कोर Django के फोल्डर में मौजूद है। हमें अब जाना है उस फोल्डर के अंदर जो अभी हमने Django के जरिए क्रिएट किया, तो उसकी कमांड क्या होगी, cd चेंज डायरेक्टली करो, ठीक है, किसके अंदर आ जाओ, हेलो वर्ल्ड के अंदर। हेलो वर्ल्ड हमारा, हेलो वर्ल्ड हमारा क्या है, हमारा वो प्रोजेक्ट है जो Django ने क्रिएट किया है, वेबसाइट का प्रोजेक्ट, ठीक है। हम हेलो वर्ल्ड के अंदर आ गए, अब यहाँ पर हमें many.py की फाइल एक्सेस हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें पीछे से इसको many.py को रन करता तो यहाँ पर जो है ये एरर दे देगा, क्योंकि इसको यहाँ पर ये फाइल नहीं मिली, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा cd hello world, ताकि हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएं जो अभी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, many.py की जो फाइल है इसको हम रन करेंगे, ठीक है ना। तो many.py जो है हम इसको पाइथन की जो एग्जीक्यूटिवल फाइल है उसके ज़रिए रन करेंगे, और इसमें हम जो कमांड देंगे वो कहेंगे रन सर्वर। हम कहेंगे कि हमें सर्वर रन करके दिखाओ कि क्या अभी तक का जो काम है हमारा सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इसको रन सर्वर जब करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर URL मिल जाएगा कि जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सर्वर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ये जो आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है ये Django का खुद का अपना इन्वायरमेंट है, आप इसको तब्दील करके जो है अपना इन्वायरमेंट लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा सब काम ओके हो गया, अगर आपका भी यहाँ तक काम ओके हो गया तो ही आप आगे बढ़िएगा, वरना जो अगर कोई एरर या कोई बग आ रहे हैं तो आप वो कमेंट्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा, या फिर जो है आप इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है ना, सर्च करके भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, स्टार्ट ऐप के ज़रिए जो है एप्लीकेशन बनाएंगे, कंट्रोल सी में इसको कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सर्वर जो चल रहा था उसको बंद कर दिया ताकि हमें टर्मिनल वापस मिल जाए, जिस जगह पर हम कमांड ये वाली लिखेंगे, ये जो हमारी सात छठी लाइन है, ठीक है। कंट्रोल सी हमने किया, अब यहाँ पर हम कहेंगे ऐप वन को क्रिएट करो, तो ऐप वन जो है यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा। किसके अंदर क्रिएट होगा, देखें यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड के अंदर हूँ, तो हेलो वर्ल्ड के अंदर ऐप वन क्रिएट होगा। आप ऐप वन, ऐप टू, ऐप थ्री जितनी भी एप्लीकेशन चाहे बनाना वो आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एक एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ एंड पॉइंट के जरिए जो है मुख्तलिफ फंक्शंस को, मुख्तलिफ जो HTMLs हैं उनको हम कॉल करेंगे, ठीक है। ऐप वन मैंने लिखकर एंटर किया और यहाँ पर जो है ये मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड है इसके अंदर एक और एप्लीकेशन हमारी इसके अंदर हमारी एक एप्लीकेशन बन जाएगी हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो गई ऐप वन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी, आहिस्ता आहिस्ता आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ठहर ठहर के भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको देखते रहिएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, ऐप वन के अंदर URLs फाइल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। न्यू पाइथन फाइल, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, urls.py, फाइल का नाम यही रखना है urls.py, ठीक है। ये हमारे पास पाई जो फाइल है ये क्रिएट हो गई URLs के नाम से, ठीक है। कहाँ किसके अंदर क्रिएट किए, गौर से देखिए, ये मैंने क्रिएट किए ऐप वन के अंदर, जो अभी मैंने एप्लीकेशन बनाई है अपने हेलो वर्ल्ड के वेब प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही। अब आपको देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड के अंदर एक और URLs की फाइल है urls.py, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है,
कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। अब हमने इसको बंद कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो सकें। हम देखें कहाँ पर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया है कि फाइल जो मैंने क्रिएट की थी वो मैंने की थी एप वन के अंदर, जो ब्लैंक फाइल है, ठीक है। और मैं कहाँ पर मैंने कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट को, वो मैं हेलो वर्ल्ड में जो ऑलरेडी यूआरएल्स की फाइल एक मौजूद है उसको, उसका टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है, ठीक है। और उसको मैं अब क्लोज कर रहा हूँ और जो मेरी ब्लैंक फाइल है जो ऐप वन के अंदर बनी है उसके अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद मैं दोबारा जो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट दिया है आप उसको देखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरीके से लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर ऐप वन के अंदर जो है वो फाइल क्रिएट की जब, तो उसके बाद जो है आपने जो मेन आपकी फाइल है उसको आपने जो है उसका जो यूआरएल का जो डेटा है उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है, ये देखें ये आपने लाइन ऐड करनी है यूआरएल पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ तक इसको ले लेता हूँ, ठीक है, गौर से देखते रहिएगा। कंट्रोल वी, ठीक है। ये आपके पास माय सर्वर जो है ये एंड पॉइंट है, इसको मैं ब्लैंक लिखूंगा तो आपका जो है ब्लैंक जो आपकी जो होम पेज होगा उसकी उस लाइक उसके तरीके से जो यहाँ पर आपके पास आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ facebook.com, तो जो होम पेज होगा ब्लैंक लिखने का मतलब है ये कि वो ब्लैंक जो है आपका वो यूआर जो मेन डोमेन नेम है उसके ऊपर जो पेज आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर कोई ABCD लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आप facebook.com/ करके जो प्रोफाइल नेम लिखते हैं, ठीक है, जो ABCD लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो है इसकी बात की जा रही होगी अब, ठीक है। अभी मैं दो आपको बना के दिखाऊंगा, एक ब्लैंक के भी और एक जो है एंड पॉइंट के नाम से भी, तो आपको वो समझ में आ जाएगी बेहतर तरीके से। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक के ऊपर बनाया, मैंने क्या बनाया, मैंने बोला है कि फन वन को कॉल करो। ये यूज़ के अंदर फन वन एक हम फंक्शन बनाएंगे, पाइथन यूज़र को पता होता है फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेम इज इक्वल टू होम पेज दे दें, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। views.fun1 व्यूज़ के अंदर हमने क्या बनाना है, फन वन बनाना है। यहाँ पर देखें मैंने आपको इस जगह पर ये भी बताया हुआ है फंक्शन कैसे बनेगा। यहाँ से आपने इसको कंट्रोल सी किया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा कहाँ, अच्छा एक चीज़ अहम जो है इसमें जो मैं भूल गया था आपको बताना, वो ये करेंगे व्यूज़ के अंदर आपको एक एरर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, वो इंपोर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। आप क्या करेंगे यहाँ पर आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से और टाइप भी कर सकते हैं जो भी मैंने लिखा है from.import स्पेस व्यूज़, ठीक है। तो ये आपका जो व्यू वाला एरर था, व्यूज़ के जो रेड लाइन आ रही थी वो एरर रिमूव हो गया है, ओके। तो अब हम व्यूज़ के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे आपको, और यहाँ पर आपने करना ये है कि देखिए मैंने यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है कि आप इस तरीके से फंक्शन बना लीजिएगा। कंट्रोल सी किया, ठीक है, और ये जो चीज़ थी ये कमेंट वगैरह ये मैंने हटा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, अब यहाँ पर देखें ये एक फंक्शन बन गया, फन वन का ही नाम है, वो फन वन है जो मैंने URLs के अंदर दिया था views.url, ठीक है। ये देखिए ऐप वन का जो फाइल क्रिएट की थी ना मैंने, उसके लिए कॉपी किया, उसमें मैंने लिखा था views.fun1, ये वो फन वन है, ओके। तो फन वन है, इसके अंदर आपने पैरामीटर क्या पास करना है, रिक्वेस्ट पास करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक str एक वेरिएबल बना दिया मैंने, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनेगा ये, और यहाँ पर आप कोई भी html का टैग वगैरह पास कर सकते हैं। रिटर्न करना है आपने HTTP रिस्पॉन्स में वो टैग या वो स्ट्रिंग जो आपने अभी क्रिएट किया है, ओके। अब यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है इसके हवाले से भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में इंपोर्ट करने वाली फाइल बता दी है, आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर लिएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ये हो गया हमारा सेव। अब हमें सिर्फ आखिरी काम करना है, वो ये काम करना है urls.py हेलो वर्ल्ड की, जो हमने फाइल क्रिएट की हम उसकी बात नहीं कर रहे, जिसमें से हमने डेटा कॉपी किया था हम उस URLs की बात कर रहे हैं। यानी कि आपको दो URLs फाइल नज़र आएंगी, एक आपके ऐप वन के अंदर है, ठीक है, दूसरी आपकी जो है हेलो वर्ल्ड के अंदर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई हुई हमें मिली थी। उसके अंदर हमें बताना होगा कि हमारे पास कितनी URL फाइल मौजूद हैं जो चलेंगी, तो हमें यहाँ पर बताने के लिए
आपको टैक्स फाइल में मेन जो यूआरएल से मैंने मेन का नाम दिया हुआ इसको, ठीक है, आप जो भी चाहे इसका नाम दे सकते हैं। आपने यहाँ पर इस जगह पर ये करना है कि ये वाली लाइन जो है इसको पेस्ट कर लेना है, कंट्रोल सी। अगर आपने कोई और नाम दिया हुआ है तो आप अपने नाम से वो काम वो फाइल लिख दीजिएगा, वरना मैंने यहाँ पर ऐप वन क्रिएट किया था, तो आप अगर ऐप वन के नाम से आपने एप्लीकेशन नहीं बनाई है, किसी और नाम से बनाए तो आप वो वाला नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इंक्लूड में एरर आ रहा है तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड में भी बताया होगा, तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने ये बताया हुआ है कि ये फाइल आप ये लाइन जो आपने इम्पोर्ट करवानी है, ठीक है। तो इम्पोर्ट में आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कंट्रोल एस, और ये हमारा आखिरी काम हो गया है। और अब मैं अगर यहाँ पर आके रन करूँगा जो मैंने पहली कमांड की थी रन सर्वर वाली, तो यहाँ पर मैंने आप इस जगह पर आएँ तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक दिया हुआ है, तो मुझे कोई भी एंड पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट मेरी आईपी के ऊपर या डायरेक्ट डोमेन नेम के ऊपर ये फन वन कॉल हो जाएगा। इस फन वन के अंदर मैंने क्या काम किया हुआ है, इसके फन वन के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है कि एक हेडिंग जो है वो जेंगो ऐप की जो है वो रिटर्न करेगा और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। कमांड क्या थी, कमांड आप यहाँ से आप एरो की के ज़रिए जो है पुरानी कमांड भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन रन सर्वर वाली कमांड ये वाली कमांड भी कर सकते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉपी पेस्ट कर लें या आप लिख लें, ठीक है, ये वाली कमांड सबसे ऊपर लिखी, ठीक है, जो आपको सही लगे वो लिख कर लें। और यहाँ पे हमें आईपी मिल जाएगी, इस आईपी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो अब आपको वो वाला सर्वर जो था वो नज़र नहीं आ रहा है, जो ये वाला सर्वर था ये पुराना था, ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको जो नज़र आ रहा है वो आपका खुद का बनाया हुआ जो यूआरएल है वो आपको नज़र आ गया, जेंगो ऐप जो आपने हेडिंग दी थी कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह पर कोडिंग में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं अगर कोई नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है, कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे एरर आ गया, बोल रहा है ए बी सी डी को आपने कॉल करना है, ये एंड पॉइंट देना है, और आपने ब्लैंक वाला रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, तो अब हमें यहाँ पर ए बी सी डी के नाम से जो है जो आपका एंड पॉइंट उस नाम से जो है वो आपका वो फंक्शन जो होम वन का था वो कॉल हो रहा है। अभी खैर मैं इसको मैं हटा देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ कंट्रोल एस, और ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आप सक्सेसफुली इसी स्टेप चेक को फॉलो करते हुए पहुँच गए हैं, वीडियोस को पॉज कर करके भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सक्सेसफुली पहुँच गए हैं तो अब हम एंड पॉइंट बनाएंगे इस जगह पर एक और, मैं कॉमा करके इस जगह पर क्या करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाया था, मैं बोल देता हूँ कि माई प्रोफाइल का नाम होगा, ठीक है। फंक्शन अब कौन सा कॉल होगा, फंक्शन रहेगा फंक्शन टू कॉल होगा, समझ में आ रही बात आप लोगों को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हेलो वर्ल्ड वाला जो यू आर एल ये कन्फ्यूज ना हो इसलिए से मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमारा काम सिर्फ अब इन दो फाइल्स के ऊपर ही है। यहाँ पर मैं आऊँगा, ये फंक्शन जो बनाने का तरीका है ये आप लोग को अगर नहीं आता तो सीख लीजिएगा, लेकिन पाइथन के जो यूज़र्स मुझे पता होगा फंक्शन किस तरीके से बनता है। मैं यहाँ पर फन टू दे दूँगा इसको, ठीक है, और मैं इस जगह पर कह देता हूँ कि ये प्रोफाइल पेज है, कंट्रोल एस। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ब्लैंक के ऊपर देखें जेंगो ऐप वन आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर आकर माई प्रोफाइल, अच्छा ये जो है केस सेंसिटिव है तो आप लोगों ने इसको केस सेंसिटिव में ही रखना होगा, अगर हम नाम स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में, मैं अगर पी स्मॉल कर दूंगा तो इसमें एरर आ जाएगा, ये रन नहीं होगा, ठीक है, या फिर जो ब्राउज़र है खुद ब खुद ही इसको कैपिटल किए जा रहा है तो इस वैसे वो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है। खैर तो बस इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है केस सेंसिटिव है जो आपका एंड पॉइंट होता है, इट इज़ प्रोफाइल पेज, ओके। तो हमने ये दो चीज़ें देख ली हैं कि किस तरीके से जो है आप URL जो है अपने जो है जो मेन डोमेन है जो होम URL है उसके ऊपर आप किस तरीके से अपने पेज को लेकर आ सकते हैं और किस तरीके से आप एंड पॉइंट के ऊपर पेज को लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप सर्च कर लेगा तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी।
तो अब हम बात करेंगे HTML पेज के ऊपर कि हम अगर अपना HTML पेज खुद का क्रिएट करना चाह रहे हैं तो Django के अंदर हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करना होंगे। ऐसे में Django में ऐसा नहीं कि बस हमने कॉपी पेस्ट किया तो और हमारा जो है वो पेज जो है वो बस रन होना शुरू हो जाए, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें आपको कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब जो आगे की वीडियो है वो उस वक्त तक आप लोग इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक आपके ये दो स्टेप जो हैं ये सक्सेसफुली ना चल रहे हों, वरना चीज़ें जो है वो आपके कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक जो काम किया था वो हमने किया था फंक्शन के अंदर टैग पास कर दिया, एक से ज़्यादा भी टैग मैं इसमें दे सकता हूँ, मैं लूप भी दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप पर, अगर आपको पाइथन में जो है और आई इन रेंज एन ऑलन के और एस टी आर प्लस इज इक्वल टू ये जो डेवलपर्स होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या काम किया है, और अगर ये चीज़ जो न्यू यूज़र उन्हें समझ में नहीं आ रही हो तो उसको वो ट्यूटोरियल्स वगैरह इसके देख लेना। तो अब मैं यहाँ पर माय प्रोफाइल पेज में आऊँगा तो यहाँ पर मुझे ये 10 मिल गए। ठीक है, ये लूप इस्तेमाल करने का एग्जांपल मैंने सिर्फ इस वजह से बताई है कि इस जगह पर आप लूप क्या आप अपने डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, आपने जो है क्या नाम है डेटा साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ सीखी होगी, इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई चीज़ सीखी होगी, तो आप यहाँ पर उसको प्रोसेस करा कर जो है वो यहाँ पर अपने जो पेज है इसके ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पिंग करने की स्विचेस को या पीसीज को पिंग करने की कोई यूटिलिटी बनाएगी उसको, उसके जो फंक्शन है वो आपने यूज़ करते हुए यहाँ पर आप उसको वेब पेज के ऊपर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चीज़ें इसमें तो बहुत सारी डिटेल में मैं बिला वजह डिटेल में आऊँगा और वीडियो खामखाई लंबी होती जाएगी, तो बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको यहाँ तक पहुँचाना था। अब आपको अगर पाइथन आती है उसके लूप्स वगैरह उसकी लाइब्रेरीज वगैरह कॉल करनी आती है तो आप जो है इसमें जो है आराम से चीज़ों को कॉल करके अपने वेब पेज के ऊपर लाकर डिस्प्ले करा सकते हैं। बात करेंगे HTML फाइल के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट है और जो स्टेप्स को हमने फॉलो किए बगैर जो है हम HTML फाइल को नहीं जो है इस पर रन कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML फाइल के लिए क्या करना होगा आप इसको देखें, ये आपका हेलो ये टेस्ट Django मैं स्टार्ट से चल रहा हूँ। टेस्ट Django वो प्रोजेक्ट था जो हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट था, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड हमारा Django का प्रोजेक्ट है जो हमने जो है Django के कमांड के ज़रिए रन किया था, उसको क्रिएट किया था। ऐप वन जो है इसी के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एक एप्लीकेशन एक पार्ट है इसका। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे HTML से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर एक फाइल नज़र आ रही है जिसका नाम है many.py जो आपने दो दफ़ा देखिए, एक दफ़ा रन सर्वर को रन करते हुए दूसरी मरतबा एप्लीकेशन को क्रिएट करते हुए। ठीक है ना, ये आपने many.py का इस्तेमाल किया है। तो इस many.py की लोकेशन पर मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप किसी और लोकेशन पर बना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, आपने बनाना है many.py जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन पर एक फोल्डर, वो बनाएंगे आप किस तरीके से, इस हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें, न्यू फोल्डर या न्यू डायरेक्टरी, ये न्यू डायरेक्टरी का नाम आएगा आपको। ठीक है, इस जगह पर मैं ना कोई भी नाम दे सकता हूँ, माई अंडरस्कोर फोल्डर नाम दे सकता हूँ या माई टेम्पलेट या जो भी आपको नाम पसंद आ रहा हो आप नाम यहाँ पर रख दें। माई फोल्डर मैंने नाम रख दिया इसका। ठीक है, ये देखिए मेरा माई फोल्डर कहाँ पर बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है उस जगह पर बना है जहाँ many.py फाइल मौजूद है। इसके अंदर मैं HTML फाइल को क्रिएट करूँगा। ठीक है, HTML फाइल जो है उसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, इसी माई फोल्डर जो कि मैंने क्रिएट किया है इसके ऊपर मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू के अंदर जाऊँगा और HTML फाइल के ऊपर यहाँ पर आकर बनाता हूँ टेस्ट वन फाइल। ये आपकी HTML फाइल बन गई है, यहाँ पर आप HTML में जो जो काम आपको आता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग वन हेलो HTML फाइल, ये हेडिंग वन में हेलो HTML फाइल आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको कॉल किस तरीके से करना है वही डिस्क्रिप्शन पे मैं आऊँगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आकर आपको इस जगह पर यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये हमारा यहाँ तक का काम सारा हो गया है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखें इस जगह पर मैंने बताया हुआ है आपने फोल्डर क्रिएट करा, फोल्डर वाला काम हम कर चुके हैं, इसके अंदर आपने जो है HTML फाइल को भी क्रिएट कर लिया। अब देखिएगा गौर से देखें, settings.py के अंदर आपने जाना है और जहाँ
BIRS लिखा हुआ होगा वो ब्लैंक एम्प्टी होगा ना, उस जगह पर आपने ये लाइन, ये जो बड़े ब्रैकेट है ना, ठीक है, इसके अंदर की चीज़ को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, दोबारा देखिए मैं कॉपी क्या कर रहा हूँ, दोनों जो बड़े ब्रैकेट हैं उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर का जो डेटा है वो सारा मैंने कॉपी किया है कंट्रोल सी करके, और मैं कहाँ पर जाऊँगा, सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर। सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेगी, जो आपका हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है इसके अंदर सेटिंग्स डॉट पाई मौजूद है। ठीक है, इस सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आप क्या काम करेंगे, इधर आकर आपने सर्च कर लेना है कि भाई टी आई आर कहाँ पर है, कंट्रोल एफ टी आई आर एस, तो यहाँ पर आपको ये देखें ये मिल गया एम टी टी आई आर एस। ठीक है, इस जगह पर आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर देखें ओ एस के नीचे आपको रेड लाइन नज़र अगर आ जाए आपको। ठीक है, बाद वर्जन में जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग की जो इम्पोर्ट ओ एस है वो ऑलरेडी हुई होती है, वरना आप इम्पोर्ट ओ एस कर लिएगा, वो भी मैंने आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये देखें इम्पोर्ट ओ एस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप इम्पोर्ट ओ एस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, सबसे ऊपर चले हैं, ठीक है, यहाँ पर इसने हमें तक एक तरतीब में चीज़ों इम्पोर्ट ओ एस लिखने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको जो ओ एस वाला एरर था वो रिमूव हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जो एरर था वो रिमूव हुआ मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक जो हमारी यू आर एस थी इसके अंदर हमारे पास दो एंड पॉइंट थे, एक तो आपका मेन वाला था। ठीक है, सॉरी मैं इसमें हेलो वर्ल्ड में आ गया, ये गलत है, मैं कहाँ पर जाऊँगा, ये जो ऐप वन का यू आर एस इसके अंदर। ठीक है, सब चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ परेशानी ना हो इस वजह से। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस जगह पर आपको एक एम टी जो था ये आपको समझ में आ गया था कि आपका जो डोमेन नेम होगा उसके ऊपर जो पेज ओपन होगा ये वो है। दूसरा आपने माई प्रोफाइल का आपने जो है बनाया था, ये भी आपका फंक्शन था, ये एंड पॉइंट था। ठीक है, ये आप ये क्या कंट्रोल सी करूँगा मैं इस लाइन को और कंट्रोल वी करूँगा, आखिर में तो कॉमा हटा दूँगा क्योंकि लास्ट वाला है तो कॉमा मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक लाइन में लिख देता हूँ, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस एंड पॉइंट का नाम माई एच टी एम एल फाइल, जो भी आपको माई एच टी एम एल भी सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप इस तरीके से कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, माई एच टी एम एल फाइल, ये मैंने मेरा एंड पॉइंट का नाम है, जब भी मैं ये एंड पॉइंट दूंगा तो मेरा एच टी एम एल पेज ओपन होना चाहिए, वो किस तरीके से ओपन होगा उसके लिए भी मैंने आपको फंक्शन बना कर दिया है। व्यूज़ के अंदर हम कहेंगे कि फन थ्री को कॉल करना है। ठीक है, व्यूज़ के अंदर फन थ्री कॉल होगा, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इस जगह पर, ये देखें ये फंक्शन बना के रखा हुआ मैंने, कंट्रोल सी किया मैंने इसको। ठीक है, व्यूज़ के अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं इस जगह पर कंट्रोल वी किया, इसका नाम मैंने फन थ्री लिखा था, मैं इसको फन थ्री ही कर दूँगा। ठीक है, फन थ्री, ओके। फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था हमारा टेस्ट वन, टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, जो टेस्ट वन लिख देता हूँ मैं इसको टेस्ट वन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, वेरिएबल वगैरह किस तरीके से पास करना है वो यहाँ पर आपको कमेंट में नज़र आ रहा है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। कंट्रोल एस किया हमने, ठीक है, और हमारा जो एंड पॉइंट था उसका नाम था माई एच टी एम एल फाइल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अब यहाँ पे सर्वर को रन करता हूँ, लिंक पे जाऊँगा मैं। ठीक है, और मैं अब एंड पॉइंट का नाम दूंगा माई एच टी एम एल फाइल, तो ये देखें हेलो एच टी एम एल फाइल, ये हमारा जो डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये उस एच टी एम एल से आ रहा है जो आपने अभी यहाँ पर क्रिएट की थी, ये रही एच टी एम एल फाइल। यहाँ पर कुछ भी कर दूँ, कंट्रोल एस किया, F5 किया, वो डेटा आपका यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो आपको ये एंड पॉइंट लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है HTML की फाइल, सही हो गई यहाँ तक बात। ठीक है, अब हम इसमें वेरिएबल्स को कैसे कॉल करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉल करने के लिए क्या तरीका होता है, यहाँ पर देखें मैंने आपको कमेंट किया हुआ था व्यू डॉट इसके अंदर, ये
ऊपर वाली लाइन जो है मैं इसको हटा दे, इसको कमिट कर देता हूँ, नीचे वाली लाइन को खोल देता हूँ। फाइल का नाम क्या था, टेस्ट नहीं था, टेस्ट वन था। और यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो किस तरीके से दिया हुआ है, कॉमा करके, ठीक है, एक लिस्ट जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से इस पैरामीटर के से एक दो एक से ज़्यादा आप जो है वेरिएबल्स दे सकते हैं ताकि आपकी जो वेब पेज हो वो आपका डायनेमिक हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दिया हुआ है माई वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है माई वैल्यू टू। अगर मुझे माई वैल्यू टू को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो माई वैल्यू टू है इसको मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ, ऐसे किया, ठीक है। इस जगह पर जो वैल्यू है वो मुझे नज़र आए, माई वैल्यू और माई वैल्यू टू कहाँ पर मुझे अपने पेज पर, ठीक है। आप सेंटेक्स को देख लीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, मैं आपको लिख कर भी चाहे तो बता देता हूँ। आप किस तरीके से देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। आपने कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना होगा, इस जगह पर कोई भी जो आपका वेरिएबल नेम है वो नाम रखना है, V1 कर दें, ठीक है। फिर आप देंगे कॉलन, स्ट्रिंग के अंदर ही आप उसकी वैल्यू देंगे, इस वैल्यू कॉमा। अब आप दूसरी अगर देना चाह रहे हैं तो V2 कर दें इसको, ठीक है, फिर कॉलन देंगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे, कोई भी न्यूमेरिक दे दें, कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई तीसरी वैल्यू देना चाह रहे हैं तो आप कॉमा करके V3 और फिर वही कॉलन और फिर वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हमें इसको HTML में हम कैसे लेकर आएंगे भाई, HTML में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप किसी भी लोकेशन पर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ कि ये हमारी फाइल है ना, हेलो HTML फाइल, और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू आ जाए V1, ठीक है। तो हम इस तरीके से दो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे V1, ठीक है, को लेस किया, क्या नाम था इसका, माई एस्टिमेट फाइल, देखिए V1 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई, इट इज़ वैल्यू। ये इट इज़ वैल्यू क्या है, हमने तो यहाँ पर V1 लिखा हुआ है लेकिन हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो सिंपल एक टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, V1 एज अ टेक्स्ट हो गया। लेकिन अगर आप एज अ वेरिएबल देखना चाह रहे हैं जो आपका पीछे व्यूज का फंक्शन लेकर आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। V1 की अगर मैं V2 कर दूंगा तो V2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। तो वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरीके से आप लेकर आ सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर वो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर कोई इमेज लेकर आना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें वही है कि मतलब हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके जो है वो नहीं चला सकते, हमें जेंगो के बनाई हुई SOPs जो है उसको फॉलो करनी होगी और उस SOPs के ज़रिए जो है हम जो इमेजेस हैं हम उसको यहाँ पर ला सकते हैं। तो उसके लिए करना ये होगा कि हमें यहाँ पर many.py वाली लोकेशन के ऊपर HTML वाली फाइल जो था जो जिस तरीके से आने थे वेरिएबल्स आने थे वो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। हम बात करेंगे अब कि किस तरीके से हम जो हैं इमेजेस को या किसी भी फाइल को, किसी भी मीडिया फाइल को अपने पेज के ऊपर चलाना हो। HTML में सीधा सीधा होता है ना कि आपने फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बनाया, उसके अंदर इमेजेस रख दी और उसको आपने कॉपी पेस्ट करके और उसको आपने पास बताकर जो वो चला दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पर इस जगह पर लिखता हूँ IMGSRC, आप लोगों HTML के यूज़र्स को पता होगा, मैं बोलता हूँ कि IMG के फोल्डर के अंदर abc.png फाइल जो है उसको चलाओ भाई, ठीक है। वो मैं बोलूँगा सही है चला दो, और मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पर इस जगह पर एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू के अंदर मैं माई डायरेक्टरी बना देता हूँ और उसका नाम मैं IMG का फोल्डर बना देता हूँ। देखिए अभी मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ जैसे HTML में किया जाता है, मगर इस तरीके से इमेजेस नहीं आएंगी, ठीक है। इमेज का फोल्डर मैंने बनाया, ये देखें यहाँ पर ये इमेज का फोल्डर बन गया।
और मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ क्या चीज़, ये abc.png, ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने इसको और ये png फाइल में इस जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है इस जगह पर img के फोल्डर के अंदर abc.png मौजूद है, मैंने कहा कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ ओके, और यहाँ पर इमेज नहीं आई जो कि मुझे पता था कि इमेज नहीं आनी है। अब आपने क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना, मैं वैसे आप लोगों को समझा भी रहा हूँ। ये देखें, ये रही आपकी डिस्क्रिप्शन की फ़ाइल, और आपने अगर कोई इमेजेस को लेकर आना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है, स्टैटिक नाम का एक फोल्डर बनाना होगा। कहाँ पर बनाना होगा, जहाँ manage.py मौजूद है उस जगह पर। ओके, यहाँ पर मैं कहूँगा न्यू डायरेक्टरी, स्टैटिक के अलावा कोई और नाम मत दिएगा वरना जो आपका ये Django है वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या नाम दिया है, स्टैटिक। और मैं स्टैटिक के अंदर ये देखें, ये जो माय फोल्डर जो इमेज img का जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, मैं अब यहाँ से इसको कट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स से, नहीं हो रहा है कट, मैं इसको कट करूँगा यहाँ, ठीक है, ये कट हो गया है, ठीक है, कट हो गया था। और मैं इसको कहाँ पर पेस्ट करूँगा, स्टैटिक के फोल्डर के अंदर पेस्ट करूँगा। ये हो गया एक काम, ठीक है, स्टैटिक के फोल्डर के अंदर मैं उठा के मैंने रख दिया, और जो हमारा जो इमेजेस थी वो img का फोल्डर था, वो हमारे जो माय फोल्डर के अंदर जो html फाइल थी उधर से वो गायब हो गया और स्टैटिक के अंदर आ गया। अब करना ये है, दो काम करने हैं, ठीक है, नंबर वन के आपने लोड स्टैटिक लिखना होगा अपने पेज के ऊपर, अपने html पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस जगह पर लोड स्टैटिक लिख देंगे, कंट्रोल एस, ये एक काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना होगा, ये वाला हिस्सा आपने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है, ठीक है, और आपने कहाँ पर पेस्ट करना होगा, ये पेस्ट करना होगा अपनी सेटिंग्स फाइल के अंदर। तो आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग फाइल के अंदर, ये हेलो वर्ल्ड के अंदर सेटिंग फाइल, आप इसमें से सर्च कर लें स्टैटिक कहाँ पर है, कंट्रोल एफ, देखें ये आपको स्टैटिक इस तरीके से मिल गया है, ठीक है ना, जहाँ पर आपको इस तरीके से स्लैश स्लैश करके स्टैटिक लिखा हुआ नजर आए उस जगह पर बस पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है, ये बेस डायरेक्टरी के ऊपर सेव हो गया है, ठीक है। और हम इसको जाकर अब देखते हैं कि क्या हमारी तस्वीर अब जो है आ रही है या नहीं आ रही, और ये अभी भी नहीं आ रही, कोई ना कोई हमने इसमें मिस्टेक की है। हाँ, एक चीज़ हमने मिस्टेक की है और वो ये की है कि हमने यहाँ पर जो HTML फाइल थी इसके अंदर स्टैटिक करके हमें पाथ डिफाइन करना होगा, ये HTML फाइल हमें इस तरीके से सिंगल कोटेशन में नहीं करना होगा, हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट आएगा डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, src इज इक्वल टू डबल कोटेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने इस तरीके से लिखेंगे, इसमें एक वर्ड और इजाफा होगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टैटिक, ठीक है, आई थिंक स्टैटिक ही लिखेंगे, ये इमेज आ गई है, देखें हमने क्या मैंने मिस्टेक किया था, मैंने यहाँ पर दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, जो इसका सेंटेक्स होगा वो किस तरीके से होगा, आपने लिखना है img src इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर, इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, डबल कोटेशन में क्या लिखेंगे आप, इस तरीके से ये ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर परसेंट
पर्सन का साइन होगा, ये इसका भाई साइंटेक्स है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसका इसको आपने रट्टा मारना है, ठीक है, स्टैटिक। और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, इस जगह पर img/abc.png लिखना होगा, ठीक है, यह आप लिख के कंट्रोल एस करिएगा और इस जगह पर आप F5 करेंगे तो ये आपको इमेजेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ये हमारी एक बात हो गई है। अब हम बात कर लेंगे बूट स्टेप की, कि बूट स्टेप पे हम किस तरीके से अपने पेज को जो है चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। इसकी वेट जो है वो मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, बहुत बड़ी हो गई तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब स्टाइल जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करना है, आप लोगों को सब पता है CSS के जो इस्तेमाल करते हैं सब पता है स्टाइल कैसे देना दिया जाता है चीज़ों को, ठीक है। अब मैं बूट स्टेप की बात करूँगा, ठीक है। बूट स्टेप के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर जो है क्या नाम है बूट स्टेप की वेबसाइट पर जाऊँगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे पूछूँगा कि भाई मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर बूट स्टेप को कैसे इस्तेमाल हुआ। तो वही तरीका जो सीधा सीधा HTML के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप, बिल्कुल आप उसी तरीके से बूट स्टेप को इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर जाना होगा गेट स्टार्टेड के अंदर, ठीक है, और गेट स्टार्टेड में हूँ मैं। यहाँ पर आपने करना ये होगा कि स्टार्टेड में गया हूँ मैं, ठीक है, गेट स्टार्टेड में आपको इस जगह पर ये देखें, ये आपको स्टार्ट का बता रहा है कि आपने हेड के अंदर ये लिंक पेस्ट करना है, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है, और अपने HTML पेज के पास जाऊँगा मैं और वहाँ पर आके मैं हेड के अंदर ये वाला पेज, ये जो लिंक था ये मैं कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर दूँगा, ये मेरा पेस्ट हो गया। और मैं क्या करूँगा, ये बॉडी के अंदर मैंने ये स्क्रिप्ट डालना है, ठीक है, ये डाल देता हूँ, ठीक हो गया। बस ये आपका ये दो काम हुए। अब आपको इस बूट स्टेप की वेबसाइट के जो कंपोनेंट इस्तेमाल करना हो वो आप यहाँ पर लिख लें, चाहे वो नैप बार हो, चाहे बटन हो, जो भी। इधर मैं बटन्स को देखता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पर, इमेज के नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और मैं देखूँगा यहाँ पर, ये देखेंगे मेरे पास जो बूट स्टेप की जो CSS की वो सारी की सारी यहाँ पर मुझे मिलना शुरू हो गई। अब इसके ऊपर क्लिक के ऊपर जो काम करवाना हो आप आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नैव बार अगर आपको चाहिए तो नैव बार के लिए आप क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पर नैव बार, अगर चाह रहे हैं आप यहाँ पर नैव बार के पास मैं जाऊँगा कि भाई इसका कोड क्या होता है, ये जैसे नैव बार मिल गई है, ये वाली नैव बार कॉपी किया और मैं यहाँ पर HTML में जाऊँगा और इस जगह पर मैं क्या करूँगा, हेडिंग्स ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब मुझे जो है अपने पेज के ऊपर ये नैव बार भी नज़र आ रही जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए यहाँ पर इसकी शक्ल बदल गई, स्क्रीन छोटी होने पर और स्क्रीन बड़ी होने पर इसने अपनी शक्ल बदल ली है। तो ये था हमारा टोटल के मतलब जो Django था, मैंने बहुत आपको छोटे से टाइम में और जो है ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए किस तरीके से Django के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे जाने से पहले मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँच गए तो ही आगे बढ़िएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से रुक रुक के देख कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 से 3 दिन लगे, ठीक है, क्योंकि बाद का सेंटेक्स का मसला आता है, किसी जगह पर जो आपका सेंटेक्स है वो प्रॉब्लम करो, किसी जगह पर आपने जो है फोल्डर गलत जगह पर क्रिएट कर लिया तो उसमें आपका पूरा दिन जो है वो ज़ाया हो सकता है कि आप सर पकड़ के बैठे हो। तो मैंने तो सब कुछ काम वैसे ही जैसे वीडियो में बताया गया वैसे किया, लेकिन
पेज रन नहीं हो रहा है, तो मसला ये होता है कि हम छोटी सी कोई मिस्टेक कर देते हैं और वो जो चीज़ों को रन नहीं हो रही होती। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और अपनी जो चीज़ है उसको स्टेप बाय स्टेप रन करके चलना है। जैसे मैंने आपको तोड़ तोड़ के रोक रोक के बताया हुआ है कि आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो फिर आगे बढ़िएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको दोबारा से ये आपका समझने के तीसरे स्टेप पे हम आपके रुक गए हैं और मैं आपसे ये फिर ये बोलूँगा कि यहाँ तक अगर आपको सक्सेसफुली चल रहा है, ब्लू स्टेप वगैरह चल रही है आपकी, तो फिर आप आगे डेटाबेस पर आइएगा, वरना फिर आप इसको दोबारा से वीडियो स्टार्ट करें, अपना नया प्रोजेक्ट दोबारा से क्रिएट करें, ठीक है, दोबारा से जो है इंस्टॉलेशन करें जेंगो की इसके वर्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर जो है आप दोबारा से वो सारे काम करना शुरू करें। तो हम बात करेंगे डेटाबेस के ऊपर। तो